हरि ओ नमो भगवते वासुदेवाय। नारदंग सह समस्त देवता माने चिंता करुछंती प्रभु मर्त्यपुर रे जन्म नेले प्रभु को अनेक किसी कार्य करिवार अछि जेउति पाई प्रभु जन्म नहीं छंती। कंसर अष्टमल्ल को निधन कले ए भारा को उश्वास कले आहुरी मध्ये अनेक कार्य बाकी अछि प्रभुंकर तांकर बयस आसी 12 वर्ष हो गलानी अथच एपर्यंत पाठ पढ़िलेनी जेपर्यंत विद्या अर्जन न करिसंती से पर्यंत विद्या बिना कौनसी कार्य संभव नुह। तेणु समस्त देवता माने विचार करुछंती प्रभु जदि पाठ न पढ़िबे ताहले ए दुनियार भलमंद जानिबे केमिति कहीं मर्त्यरे जो माने जन्म नहीं छंती समस्ते विद्या अध्ययन द्वारा ज्ञान बढ़ी थाए तेणु जेपर्यंत विद्या न पढ़ी छंती से पर्यंत ज्ञान नहीं निजे स्वयं प्रभु हेले मध्य ए मर्त्यरे जन्म नहीं छंती माने ए ज्ञान अर्जन करिबा को हेले गुरु दरकार विद्या पाठ करिबा दरकार अस्त्र शस्त्र शिक्षा दरकार विद्या न पढ़ी जिते ज्ञान थिले मध्य ताकु समस्त अपाठुआ बोली कही थांती केही ज्ञानी ज्ञानी बोली गणना करि न थांती जिते ज्ञान थिले मध्य विद्या न पढ़ी गुरु न करी जदि ज्ञान अर्जन करि थाए ताले से ज्ञान किसी प्राप्त नुहे। सेमिति आज प्रभु को पाखरे जिते सब थिले मध्य स्वयं प्रभु हे थांतु जेपर्यंत मर्त्यरे जन्म नहीं छंती विद्या पाठ न करि छंती से पर्यंत संपूर्ण नुहंती। तेणु नारद को पठौ छंती ए नारद महामुनि तुम्हें जाओ प्रभु को कहिबो एथर विद्या पाठ करिवे शस्त्र अस्त्र शिक्षा करिवे पाखरे सांदीपनी ऋषि घर आउ सांदीपनी ऋषि पाख को जाई विद्या अर्जन करंतु। तेणु नारद आसी पहुँची जाइछंती मथुरापुर आउ मथुरापुर समस्त राजा उग्रसेन वसुदेव देवकी समस्त को बसई कहउछंती प्रभु को पाठ पढ़ेबापाई सांदीपनी ऋषि आश्रम को नहीं जावाई कहउछंती। तेणु विद्या बल सबकि संभव हम यही विद्या बल आम जगत को जीणीपर आदि विद्या ताहले जिते ज्ञान थाउना कहीं आम अज्ञानी ही रहा गुरु न धरी आम कौन सी कार्य कले असफल होता है। तेणु समस्त को गुरु करवा दरकार जमी आम जन्म ने प्रथमे आमर माँ होती प्रथम गुरु माँ को हाथ को धरी आम बाट चलिले माँ कहुवा कथा को मानिले तेणु माँ आम को प्रथमे संस्कार देले द्वितीय पिता आम हाथ धरी चलिबा सिखेले पिता होती द्वितीय गुरु तेणु जेतेबले हाथ धरी आम को बाट चलेबा सिखेले दुनिया रे भलमंद जिनिष बुझे देले जणई देले ए होची माटी ए होची पवन ए होची जल ए होची आकाश ए होची सूर्य ए होची चंद्र ए होची तारा ए होचंती ग्रह। तेणु जेमिति पिता को हाथ धरी आम सब किछि सिखिले तेणु पिता होचंती आमर द्वितीय गुरु। तेणु सेइति पाई आज नारद महामुनि कहउछंती जे जेतेबेले प्रथमे माता गुरु द्वितीय पिता गुरु तृतीय रे शिक्षा गुरु आसंती शिक्षा गुरु नथिले आमे अंध समान कहीं आम आखि थाई मध्य आमे अंध हो जाती आम जाणी पारती दुनिया भलमंद तेणु से शिक्षा गुरु निहाती आवश्यक तेणु गुरु न धरी जिते ज्ञान अर्जन कले निष्फल होता है। कौन कौन नारद महामुनि अणगुरु विद्या सर्वजन प्रकाशित नुहे तेणु जो मैंने अणगुरिया जो मानक पाखरे गुरु न थांती से माने जिते कार्य कले लोक मानक पाखरे परिहासर पात्र ही थांती। तेणु से जड़े गुरु आवश्यक तेणु आज नारद कहउछंती प्रभु को 12 वर्ष हो गलानी अथच प्रभु विद्या अध्ययन करिपारिनाहंती कौन से अस्त्र शस्त्र शिक्षा करिनाहंती तेणु आग को बहुत कार्य करिवार अछि। तेणु से समस्त को कहउछंती जे आज प्रभु सांदीपनी ऋषि
आश्रम को निश्चय जीवे आठार रही से विद्या अध्ययन करेंगे। जिते ज्ञान थिले मध्य आज उग्रसेन राजा राजकार्य लिप्त रही राजकार्य संभालुचंती तथापि आज प्रभु श्रीकृष्ण कथार प्रभु श्रीकृष्ण जहाँ कहते ता उग्रसेन राजा ताकोसी कथा कृष्ण को पचारि बुझुंट किंतु ये पांच मन आ पचिश प्रकृति ये राज्यसभा क्यों कौ कथा को ग्रहण करुवे आउ के भावुवे जड़े विद्या अध्ययन करना ताखे ज्ञान ना अथच ता ज्ञान को नहीं आज राज्य चली तेणु समस्ते कहीं ग्रहण करे तो कहीं पुणी ग्रहण करे तेणु हे उग्रसेन एथर प्रभुंर पाठ पढ़वार समय आसी जाइए विद्या अध्ययन करार समय आसी जाइए अस्त्रशस्त्र शिक्षा करार समय आसी जाइए तेणु ताकू निश्चित भाव सांदीपनी आश्रम को छाड़ दरकार तेणु नारद मुनि आहुरी कहते जे अणगुरिया जो मैंने अणगुरु गुरु करना से मानते तीन जन अच्छा जड़े उत्तम जड़े मध्यम आउ जड़े अधम गुरु नक जड़े उत्तम लोकर व्यवहार केमी होता है जिते जाणी सबू शास्त्र पारंगम होते सबू अस्त्रशस्त्र पारंगम होते किंतु से अन्य जन को पचारे बड़ को पचारि सान को उचारि जेकोसी कार्य करती से केवल बुद्धिमान ही होती तेणु बुद्धिमान लोक गोटे कार्य करने पूर्व जड़े बड़ को पचार दरकार आउ जड़े सान को पचार दरकार आमकर कथा को नहीं निजे विचार करने दरकार मन भितर विचार कर सारे जहाँ बाहर जो कथाटी निश्चित भाव भल लग आत्मा को संतुष्ट है लगे से ही कार्य करती तेणु से हूँ उत्तम लोकर कार्य आउ जो मैंने कथा कह आगर कि बुझी न विचारी हठात कर रागि जाती हठात कर कथा कही दिंती से कथा भूल हो ठीक हो किंतु से ही कथा कौटी सृष्टि प्रलय हो जाए कौटी परिवार ध्वंस हो जाए तेणु किसी कथा कह पूर्व आगे प्रथमे चिंता करूँ मन भितर चिंता करूँ कि मुहूर्त चिंता कर सारे तापर कथाटी प्रकाश करूँ कथाटी प्रकाश करने सतरे से आघात लगभन तो मो कथा जीवा पूर्व क्या मनरे दुख दबनी तो मो कथा जीवा पूर्व ये सब कथा चिंता करवा दरकार जे जमी क्या मनरे कष्ट न हुए मोर कथा तेणु ये हूँ उत्तम लोकर कथा ज्ञानी जो मैंने पाठ पढ़ी विद्या अर्जन करकर कथा तेणु जो मैंने विद्या प्रकृतर विद्या अध्ययन करी ज्ञानी होता से मैंने कह आगर शहे थर विचार करती कथा कहती तेणु आउ कौन कहते ना मध्यम लोकर कथा ये मध्यम लोक मैंने कौन करती आपे जानी सुनी जेउ पर को पचारे उत्तम मते गणिका से जन संसारे गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन न जानी पर को जेउ पचार मध्यमे गणिता तार हानि लाभ गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन नारद मुनि महामुनि कहते मध्यम विद्यार्थी केमी ना जहाँ पाखे जो मैंने मध्यम फल थाए पाठ अल्प पढ़ी था विद्या थाए से किसी कथा जा न था आउ से बुझापी चेष्टा करती जो कथाटा को न जाणी अन्य जन को पचारि बुझती भाई ये प्रश्नर मत टे समाधान कर दियो से होंगे मध्यम विद्यार्थी मध्यम ज्ञानी तेणु से सबकि संग्रह करे मो पाखे तो ये विद्या ना आई विद्या संग्रह कर दिए आउ से कौन करती ना जेकोसी कथा शुणती प्रथम पचारती भाई यहाँ सत कि मिछ मु गोटे कथा शुणिली
ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତି ଏଇଟା ମିଛ କଥା ତେଣୁ ତାକୁ ମିଛ ବୋଲି ହି କହନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ କଥା ତେଣୁ ତାକୁ ସତ ବୋଲି ହି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟମ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଅଧମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ପାଠଶାଠ ନ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ନା ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜି ନାରଦ ମହାମୁନି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ନାରଦ ମହାମୁନି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଅଧମ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଅନ୍ୟକୁ ପଚାରନ୍ତି, କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଶହେଥର ଭାବନ୍ତି କାଳେ ମୋ କହିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯିବ କି, ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ କି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା କେବଳ ଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ବିଚାର କରିଥାଏ। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟମ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରେ ନା, କାଳେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଳେ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ କି, ତେଣୁ ତାକୁ ପଚାରେ, ଆଉ ଜଣକୁ ପଚାରେ, ଏମିତି ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗେ ସେଇଟା ହିଁ ସେ କରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନୀ ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଜଣେ ଅଧମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଲକ୍ଷଣ ସୁନ୍ଦର କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ନାରଦ ମହାମୁନି? ଆପେ ନ ଜାଣି ପରକୁ ଯେଉ ନ ପଚାରେ, ଯେଉ ନ ପଚାରେ, ଯେଉ ନ ପଚାରେ, ଅଧମ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ହୁଏ ସଂସାରରେ, ହୁଏ ସଂସାରରେ, ହୁଏ ସଂସାରରେ, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମହତ ଜନ ଅଟ ଗୁଣ ନିଧି, ଅଟ ଗୁଣ ନିଧି, ଅଟ ଗୁଣ ନିଧି, ଗୁରୁ ମୁଖେ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ି ହେବ ନର ସିଧି, ହେବ ନର ସିଧି, ହେବ ନର ସିଧି। ତେଣୁ ଆଜି ନାରଦ ମହାମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମଥୁରାବାସୀ ତୁମେ ଜାଣ ଏ ଅଧମ ମୂର୍ଖଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ପାଠଶାଠ ନ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, କିଛି ନ ବୁଝି ନ ବିଚାରି ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାହା କହିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଭଲ ହେଉ ବା ଖରାପ ହେଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଫରକ ନଥାଏ। ତେଣୁ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଉ, କାହାର କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଉ, ସେମାନଙ୍କର ଭୃକ୍ଷେପ ନଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା, ଅଧମ ଲୋକଙ୍କର କଥା। ଆଉ ନାରଦ ମହାମୁନି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ନିଜେ ଯେଉଁ କଥା ନ ଜାଣିଛ, ଯେଉଁ କଥା ନିଜେ ନ ଜାଣିଛ ଅନ୍ୟକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଧମ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ମୋଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୋର କାହାକୁ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୋର କାହାକୁ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ପଚାରିବି, ମୋଠାରୁ କ'ଣ କେହି ଜ୍ଞାନୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅଧମ ଲୋକଙ୍କର କଥା ନା, ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ କୌଣସି କଥାଟାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା କଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ତାକୁ ଖାଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ହେବନି, ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ଜଣେ ସାନ ଲୋକକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମନକୁ ଆସେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯାହାକି ପାଞ୍ଚ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯେଉଁଠି ଯାହା କହିବେ ସେ କଥାଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାନିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା, ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର କଥାକୁ ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ କହେ ଯେ ଘୋଡ଼ାର ଛଅଟା ଗୋଡ଼, ତାକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ବିଚାର କରି କହିବେ ହଁ ଘୋଡ଼ାର ଚାରିଟା ଗୋଡ଼ କି ଛଅଟା ଗୋଡ଼, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଏ ଅଧମ ଲୋକର କଥା ଯେଉଁମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେମାନେ ସିନା ଭାବିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର
जेकोनोसी कार्य करिबा पूर्वरु से घर भितरे बड़ अछंती सान अछंती समस्त को पचारिबा दरकार पचारि कि जेकोनोसी कार्य करिबा ताहले आमर सेतिर अनिष्ट हबनी कि कोनोसी क्षति मध्य हबनी तेणु नारद मुनि जेतेबेले उग्रसेन राजा को ए सब कथा बुझेई देले देवकी वसुदेव को एक कथा बुझेई देले जे देख मा आमे जदि श्रीकृष्ण को पाठ न पढ़ेबा बलराम को जदि पाठ न पढ़ेबा ताले से माने मूर्ख हो जिबे से मानक भितरे ज्ञान रहिबनी सेतेबेले तमकु कोन भलो लागिवो को पिता माता को भलो लागिवो जदि पिला माने पाठ न पढ़ंती ताले को पिता माता को भलो लागिवो तेणु जदि पिलाटिए भल पाठ पढ़ुथिवो ताले बापा मा सबुठारु खुशी हेथांती सबुठारु आनंद हेथांती जदि पुओटी ज्ञानी हेगला आहुरी खुशी हे जांती को पुओ डाक्तर होउची को पुओ इंजीनियर होउची को पुओ वैज्ञानिक होउची तेणु सेमानकर पिता माता केते खुशी रे थांती जे आम पुओ विद्या अध्ययन करिछि आम पुओ पाखरे अनेक ज्ञान अछि तेणु खाली पिता माता जतिकि न भावंती ए सारा संसार मध्य भावे जे बहुत ज्ञानी सी तेणु आज नारद कहउछंती मां देवकी जदि कृष्ण बलराम पाठ न पढ़िबे ताहले ताले दुनिया रे समस्ते जो बाहा कहुनाहंती कि किंतु परवर्ती पर्याय रे जेतेले कृष्ण बड़ हे जिबे बलराम बड़ हे जिबे काहेकि ना एबे छोट पिला बोली समस्ते आदर करंती छोट पिला बोली स्नेह करंती छोट पिला बोली समस्ते ताकु ज्ञानी बोली कहउछंती किंतु आज जेतेले बड़ हे जिबे सेतेबेले पाठ साठ न पढ़िथिबे सेतेबेले किए ताकु ज्ञानी बोली कहिवो तेणु माँ तुम सांदीपनी ऋषि मंदिर को पठे दियो आउ सेटारे से विद्या अध्ययन करंतु जेतेबेले देवकी वसुदेव को कहिदेले आउ नारद महामुनि एथर स्वर्ग को चली गले तापर कौन कले ए आको इनो नारद हेले अंतर्ध्यान सुनिले जादव माने राजा उग्रसेन सुनिले जादव माने राजा उग्रसेन सुनिले जादव माने राजा उग्रसेन रामकृष्ण कर मन होइला उचाट मुनि वचने सानंद हेले नंद चाट गोविंद माधव कृष्ण त्रिमधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण त्रिमधुसूदन जेतेबेले विद्या पाठ कथा शुणिले आज कृष्ण बलराम अनेक खुशी होगले जा हो नारद आसी पिता माता को बुझे कहते आम को विद्या पढ़ापी पड़ो तेणु भाई बलराम एवं प्रभु श्रीकृष्ण आज आनंद मनरे वसुदेव देवकी को कहते हाँ माँ आम को सांदीपनी ऋषि मंदिर को नहीं चलतु माँ आम को सांदीपनी ऋषि मंदिर में पाठ पढ़वार अच्छी तेणु आज पिता माता खुशी हो जाती सांदीपनी ऋषि आश्रम को नवापी चिंता करेणु आज खुशी हो जाती प्रभु पाठ पढ़ापी जी पिता माता दुईज एथर छाड़ापी पड़ कन्ही एवं बलराम को देवकी वसुदेव चिंता करमें आम कृष्ण बिना बलराम को बिना आम केमी रहा वसुदेव उग्र सेन शनिदेव साई विश्वासी जादव मान आनिले डकाई विश्वासी जादव मान आनिले डकाई विश्वासी जादव मान आनिले डकाई सातकी उद्धव पुणी अनादृष्ट वीर सक्राजित कृत बरमा आवर क्रूर गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन माता कर निज माता आई दुमती देवकी हस्त धरी मिलिले तड़ती देवकी हस्त धरी मिलिले तड़ती
देवकी रहस्त धरी मिड़िले तड़ती। देवकी वसुदेव राजा उग्रसेन अनाधृष्ट उद्धव आदि समस्त को बसई आज कृष्ण बलराम कहते तुम मैंने समस्ते शुणिल तो विद्या न पढ़िले कौन हुए, तेणु विद्या न पढ़िले कौन हुए तुम मैंने समस्ते जाच अज्ञानी हो जाती मूर्ख हो जाती आर्ख है ताकू संसार कहीं भी पचारती कहीं भी भल पाती तार कथा कौन सी कथा तार विचार को निया जाए ना। तेणु से आज नारद महामुनि आसी तुम मानक गले एक तुम्हें जान लतबले सीना मु गोपपुर रही थी आ गोपपुर पाठ पढ़ापी किसी सुविधा नाला से बोध हुए मुठ पढ़ी पारी आ माता पिता स्नेह ममतार मुमती बांधी हो जाती माँ जशोदा नंदराजा स्नेह एमती बांधी हो जाती समस्त गोप गोपबाड़क मान सहित एमती खेल में माति जाती तेणु विद्या पढ़ापी के मन बड़ी मोर आज जो राज उवास रोची जदि राज कार्य करने पड़ू जदि पाठ न पढ़वी ताहले मत ज्ञानी बोली किए कह। हे मथुरापुर निवासी तुम्हें मैंने समस्ते तो जाच जो गोपपुर को विद्या पढ़ा पाई से कौन सी सुविधा ना कहीं गोपपुर समस्ते मूर्ख कहीं भी पाठशाठ पढ़ी ना कहीं बण जंगल रही से पाठ कौन जाणिना सेतिपाई मुझे सेठी रही आमण सहित मिसली तेणु से पाठ शब्दी कौन मुझे जान नी से विद्या कौन से विद्याटा कौटी आद्या को पढ़ले कौन हुए ताकू के मुझे जान नी कि मथुरापुर को आसवापर मुझे जान ली से विद्या अटई महाधन जो मैंने विद्या पढ़ी से पाखरे जो ज्ञान अच्छी जो मैंने विद्या न पढ़ी से मैंने अज्ञानतार दिन काटुं तेणु मोर विद्या पढ़ा विधेय मत एथर विदाय दिंतु सांदीपनी ऋषि आश्रम रही विद्या अर्जन करने पड़ आ कौन कहते सुंदर कथा जाणी प्रभु श्रीकृष्ण विद्या अध्ययन करने सांदीपनी ऋषि घर को गले कि ना परवर्ती पर्यायर जानवा आज तो समय हो जाणी की विराम दवा टी प्रभु नाम संकीर्तन कर आज कार्यक्रम को समाप्त करवा भज भज रे भज भज रे भज रे मन राधा गोविंद भज भज रे मन राधा गोविंद भज भज रे भज रे मन राधा गोविंद भज भज रे मन राधा गोविंद भज 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 भज रे भज भज रे मन राधा गोविंद भज रे मन राधा गोविंद भज रे मन राधा गोविंद भज रे